जाने समझे ज्ञान वास्तु शास्त्र का पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान आकाश का ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो कहता है क्या घर आपका। ऐसा घर अगर आपको देखना है तो ये समझो कि किसी का ये प्लॉट है और अग्नि से प्रवेश है, ये समझो गेट है जी, ठीक है। और उन्होंने ये मकान बनाया है, फर्ज कर लो ऐसा एक मकान बनाया है ठीक है जी। और समझो ये द्वार दिया है, कौन सा द्वार दिया? अग्नि से, ठीक है जी। और अग्नि कोना काट दिया। इस घर में संभव नहीं है कि रोज हर घंटे तनाव न हो, क्योंकि ये अग्नि का प्रवेश, ये अग्नि का द्वार, ठीक है। तो आपने क्या किया, अग्नि को कहा है प्लीज आइए, फ्री फ्लो में आइए, आइए नहीं फ्री फ्लो में आइए, क्योंकि ये कोना भी आपने काट के दे दिया है, थोड़ी स्पेस भी दी है। तो इस घर में इस पड़ोसी की बात करेंगे और झगड़ा ये करेंगे। बात किसकी चल रही है? पड़ोसी की। और झगड़ा कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ठीक है ना। सामने वाले की बात कर रहे हैं और झगड़ा आप कर रहे हैं। वो कहता है कि वो सलमान खान की पिक्चर देख के आया है, ये कहता है नहीं नहीं वो सलमान की नहीं, वो अक्षय कुमार की पिक्चर देख के आया है। अरे हमें क्या मतलब है किसकी पिक्चर देख के आया, लेकिन ये दोनों झगड़ा करेंगे। नहीं नहीं वो सलमान की ही पिक्चर देख, नहीं नहीं मैं बोला ना वो अक्षय कुमार की पिक्चर देख के आया, वो उस थिएटर में गया था, नहीं नहीं वो उस थिएटर में, यहाँ अब वो पिक्चर देख के आया, झगड़ा ये कर रहे हैं। अरे हमें क्या मतलब है किसकी पिक्चर देख के आए, चाहे किसी की देख के आए। सही बात है। यहाँ झगड़ा क्या होता है मालूम है? खाना खाने जाना है, खुशी का माहौल है जी। चलो भाई खाना खाने जाना है, सबको खाना खाने जाना। एक कहता है मुझे चाइनीज खाना है, नहीं मुझे चाइनीज नहीं खाना है, मैं तो इटालियन खाऊंगा। दूसरा बोलता है नहीं रेगुलर पंजाबी खाना है। चौथा बोलेगा मुझे गुजराती थाली खानी है। पांचवा बोलेगा मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है। अब एक घंटे तक ये बहस चल रही है कि कहाँ फाइनली जाना कहाँ है, और आखिरकार नहीं जाना है। नतीजा क्या आया? नहीं जाना है। अब जब मन बनाया था कि जाना है और नतीजा ये आता है कि नहीं जाना है, आप सोचो इस घर के अंदर कितनी मायूसी छा जाएगी, छाएगी कि नहीं। छोटा बच्चा बड़ा औरत कहेगी मुझे आज ऑफ मिल रहा था। अब जब औरत को फिर घर पे खाना बनाने की बारी आई तो वह कैसी झल्लाकर खाना बनाएगी, क्योंकि उसने ऑफ दिमाग में सेट कर लिया था कि आज मुझे छुट्टी, आज मुझे खाना नहीं बनाना है, तो सबसे ज्यादा खुश थी। अब एक घंटे के बाद ये आए कि भाई आप खाना बनाओ घर में, तो वो कितना झल्लाकर खाना बनाएगी, ठीक है कि नहीं। ये रोज का काम होगा इस घर के अंदर, क्योंकि आपने अग्नि से क्या कहा है, प्लीज फ्री फ्लो में आइए और हमारे घर में तनाव कीजिए। अगर इसका पूरब का ये गेट है और अग्नि से एंट्री है तब थोड़ा कम हो जाएगा, अग्नि का प्रमाण तो घुस रहा है जी। तो वो तो आएगा इसमें, फिर चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि यहाँ से रोग आता है जी। तो रोग से कोई पीड़ित है, तो जो पीड़ित है उसको चिड़चिड़ापन आ गया, और जो उसकी सेवा कर रहा है उसको भी चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है ना। अगर सेवा नहीं भी कर रहा है तो पूरी फैमिली को कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिहेवियर करना है तो इसको ध्यान में रख के करना है। मतलब ये फैमिली घूमने बाहर नहीं जा सकती क्योंकि एक को घर में रहना जरूरी है, ये फैमिली बाहर गांव नहीं जा सकती क्योंकि एक को रहना जरूरी है। तो सारी मूवमेंट्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि एक तो घर में चाहिए जो इस पीड़ित की, तो झल्लाहट वहां से भी आती है, चिड़चिड़ाहट वहां से भी आती है, आप समझेंगे, क्योंकि आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, आप अपना जीवन अपने मन से नहीं जी पाते हैं, क्योंकि घर में एक व्यक्ति है जिसको एक अटेंडेंट चाहिए, आप समझे, ऐसा होता है। तो यहाँ से रोग आता है। कहने का मतलब ये है कि शहर हो, गांव हो, घर हो, वास्तु लागू पड़ेगा। तो भैया इराक स्थिर क्यों नहीं है, क्यों इराक कभी स्थिर नहीं हुआ, क्यों श्रीलंका कभी स्थिर नहीं हुआ, तो ये सोचने वाली बातें हैं कि श्रीलंका रामायण के दौरान से कभी स्थिर नहीं है। तो आप सोचो तो सही, उसका आकार तो देखो कैसा है। बात करें बाथरूम और टॉयलेट की। बाथरूम टॉयलेट वायु कोने में हो सकता है, बल्कि होना चाहिए। आप पश्चिम में बाथरूम टॉयलेट दे सकते हैं, आप दक्षिण में बाथरूम टॉयलेट दे सकते हैं,
ये दक्षिण है यहाँ दीजिए, ये पश्चिम है यहाँ दीजिए, ये वायु है यहाँ दीजिए, यहाँ नहीं शायद दे दे, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ ना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है जी। ब्रह्म में बिग नो, अ वेरी बिग नो, आप ब्रह्म में तो दे ही नहीं सकते, तो यहाँ नहीं दे सकते हैं, यहाँ नहीं दे सकते, शायद देना पड़ जाए तो दे दे, यहाँ नहीं दे सकते नॉर्थ में, देना पड़ जाए तो दे दे, ठीक है, अग्नि कोने में ना दे, इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन वायु कोने में आप टॉयलेट दे सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ उन्होंने अपना बाथरूम दिया और यहाँ पीछे से WC दिया जी। बाहर से हाँ। वो बोलते हैं WC हमें बाहर चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। कई लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री होती है तो ये सब समझो घर है, तो वो बाहर से जाके यूज करते हैं, लेकिन आपका वास्तु ऐसा माना जाएगा, आपका वास्तु ऐसा नहीं माना जाएगा, आपका वास्तु ऐसा माना जाएगा, ये नहीं है आपके पास, ठीक है। अब फर्ज कर लो कि आपने एग्जैक्ट वायु कोने के अंदर टॉयलेट दे दिया, ठीक है जी, जी। आप बोलते हो ज्ञानी जी मेरा तो बराबर है, राइट एंगल है, ये तो सीधा है मेरा। अरे कहाँ से सीधा है, वो कट गया, वो तो काट दिया आपने, मन का कोना तो आपने काट दिया, वायु का, ठीक है जी। ये नहीं होना चाहिए। अभी सुनो, मन का कोना कट गया तो मैं कुछ बता दूं? जरूर। फर्ज कर लो ये आपका घर है, वायु कोना कटा हुआ है जी। समझो मैं इस घर में रहता हूँ, माँ का मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ जी, मतलब मैं सुबह जाने से पहले, मम्मी आपकी दवाइयां कहाँ है टेबल पे, वो यहाँ बैठी हुई है, फर्ज कर लो यहाँ उनका पलंग है, यहाँ उनका टेबल है, तो यहाँ वो लेटी हुई है, मैं यहाँ बैठ करके यहाँ जो दवाइयां पड़ी वो चेक कर लेता हूँ, मम्मी आपकी दवाई सब सही है, ब्रेकफास्ट के बाद आपने दवाई खाई, लंच के बाद कौन सी दवाई आपकी, ये वाली लो मैं कटोरी में निकाल के देके जाता हूँ, लंच के बाद आपको ये दवाइयां खानी है, शाम को जब मैं आता हूँ तो पहले चेक करता हूँ भाई आपने दवाइयां खाई, रात की क्या दवाइयां हैं, लो कटोरी में निकाल के दे दिया। अच्छा ऑफिस में फोन आता है कि मम्मी की तबीयत खराब है, तबीयत खराब है क्या हो रहा है, तो भाई ये हो रहा है, ठीक है मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ, तुरंत मैं हॉस्पिटल में फोन लगाता हूँ डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मम्मी को ये परेशानी हो रही है, मैं मम्मी को लेके आ रहा हूँ, किस टाइम आऊँ, तो बोलेगा आप आ जाओ आधे घंटे में, तो मम्मी को मैं लेने जा रहा हूँ, मम्मी को कार में डाला, मैं मम्मी को हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से दिखा करके जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है टेस्ट वेस्ट वो सब करा के मैं अपना घर पे मम्मी को लाके लिटा दिया, आधा घंटा फिर भी बैठा हूँ अपनी ऑफिस छोड़ के कि एक बार मम्मी रिलैक्स हो जाए फिर मैं ऑफिस काम करने जाऊँ, ठीक है, अच्छा कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल इससे बेहतर इससे ज्यादा क्या कोई कर सकता है, ठीक है, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट बेटा, ठीक है। लेकिन ये माँ क्या कहेगी मालूम है, अरे मेरा वो बेटा, वाह वाह क्या मजेदार बेटा, अरे मेरा वो बेटा, मेरा वो बेटा, कौन सा बेटा, जो 3 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, जो 200 किलोमीटर की दूरी पे दूसरे शहर में रहता है, जो 2000 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, ठीक है, वाह वाह किसकी हो रही है, दूसरे बेटे, उस बेटे की हो रही है, उस माँ को पूछो, माँ उस बेटे ने पिछले 15-20 दिन में आपको फोन करके पूछा भी है कि आप जिंदा हो मर गए हो, पूछा भी है कि आपकी तबीयत कैसी है, नहीं नहीं फिर भी मेरा वो बेटा, मेरा वो बेटा, अरे माँ कभी 2000 रुपए दिए हैं तुमको खर्ची, जब आता है तो 2000 देता है कि माँ ये 2000 रखो दान पुण्य करना, ठीक है बुढ़ी औरत है उसको कोई जरूरत ही नहीं है, दान पुण्य कर लेना, दिया है कभी, नहीं फिर भी मेरा वो बेटा, तो इस बेटे को क्या खलता है, खलेगा कि नहीं, कि माँ की मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ, माँ की मैं इतनी देख रेख कर रहा हूँ कि इस जमाने में कोई नहीं करेगा, और वो जो है उसको याद भी नहीं है कि उसकी कोई माँ है, उसकी माँ तारीफ कर रही है, होता है कि नहीं, ऐसा बहुत घरों में होता है, तो ये क्यों होता है, ये तब होगा जब माँ जिस घर में रह रही है और बेटा जिस घर में रह, उसके माँ का कोना कट गया हो। अच्छा हाँ, कौन सा कोना कट गया, माँ का कोना, चंद्र का कोना, मन और माँ का कोना, का कोना, तो माँ का जब कोना कट जाएगा तो माँ के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, माँ आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस माँ के एक ही बेटा हो बस, तो उसकी उसकी सेवा लेती जाएगी और उसकी गालियां उसको गालियां देती जाएगी। अच्छा हाँ, सेवा लेती जाएगी और गालियां देती जाएगी कि तू मेरा ध्यान नहीं रखता, तू मेरा ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि बेसिकली ये मन कटा हुआ है ना। अच्छा। माँ के साथ के संबंध कट गए हैं आपके, और ये ऐसा नहीं है कि खाली ये माँ बेटे में जो 80 साल की बूढ़ी माँ है और 55 साल का बेटा है, ऐसा नहीं है,
ये चंद्र जो कट गया है, इस घर के अंदर 8 साल की बेटी अपनी 35 साल की मम्मी को भी यही कहेगी, इसमें बेटी ताना कसेगी माँ को, या माँ ताना कसेगी बेटी को, माँ तो नहीं कसेगी 8 साल की बच्ची को क्या ताना कस, लेकिन ये बेटी जरूर कहेगी कि मेरी मम्मी तो ऐसी है, मेरी मम्मी तो ऐसी है, क्योंकि यहाँ मन का कोना कटा हुआ है ना, तो ये ग्रुप में भी प्रॉब्लम दिखाई देगी आपको, बुढ़ापे का नहीं है ये मन के कोने से कटने से आपको माँ और बच्चों के संबंध में हमेशा आपको ये चीज दिखाई देगी कि बोथ आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर फॉर वॉट एवर द रीजन, रीजन कोई नहीं है, रीजन क्या है कि माँ का कोना कट गया है, ये स्लैब जो है 10 फुट की हाइट पे, लेकिन ये जो कार पोर्च है ये 8 फुट की हाइट पे है, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद मैं 2 सीढ़ियां उतरता हूँ तब इस कार पोर्च की छत पे आता हूँ। अच्छा ठीक है। क्योंकि कार पोर्च आमतौर पे 10 फुट की हाइट पे नहीं बनाते हैं, वो 8 फुट की हाइट पे ही बनाते हैं, क्योंकि गाड़ी जो है उसकी हाइट 5-5.5 फुट होती है, तो ये 8 फुट की हाइट पे बना है, और ये 8 फुट की हाइट पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेवल स्प्लिट कर देने से एक्सटीरियर जो है मकान का जो एलिवेशन है वो थोड़ा खूबसूरत दिखता है। अब ये कोना कौन सा है, वायु कोना है, वायु कोना कट गया, एक बात वायु कोना कहाँ गया, 2 फुट नीचे गया, क्योंकि ये स्लैब 10 फुट का है, ये स्लैब 8 फुट का है, तो लेंटल जो है, स्लैब जो है वो 8 फुट पे गया, तो 2 बातें हो गई, एक वायु कोना कट गया और एक आपका स्लैब नीचे होने से वायु कोना डिप्रेशन में गया, डिप्रेस हो गया ना, यहां रहने वालों को डिप्रेशन आएगा, और गलती से अगर आपकी बेटी का रूम यहां बना दिया आपने, ठीक है, यहां बेटे का रूम बना दिया है, तो ये तो मतलब समझ लो कि साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट ले रहा है। ये बच्चा 2 कदम उतर के पहली मंजिल पे गया, फिर 2 कदम उतर के उसका बढ़िया रूम बना दिया आपने, क्योंकि ये जो कारपोर्च है ये 15 फुट बाय 10 फुट का है या 12 फुट का है, तो आपने उसके ऊपर 4 दीवार खड़ी करके रूम बना दी, लेकिन ये बच्चा कहाँ रह रहा है, वायु कोने में रह रहा है, कौन से कटे हुए में, कहाँ, डिप्रेशन में, तो ये बच्चा 110% आपकी साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की गोलियां खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, ये बच नहीं सकता उससे, ख्याल है, ये व्यवस्था नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस कमरे में रहने वाले का जीवन खराब कर रहा है, तो इसका निवारण नहीं करना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक 18 साल का लड़का अपना कैरियर तबाह करके साइकेट्रिस्ट की गोलियां खा रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, उसका जीवन में कोई फोकस ही नहीं है, बराबर है, कई बार तो ये बच्चे दीवार के कोने में जाकर यूं बैठे रहते हैं 12-12 घंटे, इतने डर में होते हैं वो, सिर्फ इसकी वजह से डिप्रेशन, तो डिप्रेशन कहां से आता है ये तो ढूंढने का प्रयास करो कि डिप्रेशन मेरे बच्चे को आया क्यों, ये तो अच्छा चंगा वाला बच्चा था, ये तो कंप्यूटर का वो था, फलाना था, ये तो ग्रेट इंजीनियर था, इसकी नॉलेज तो गजब की थी, इसको हुआ क्या है, तो ढूंढो तो सही क्या हुआ है, क्यों खेलते हो अपने बच्चों के साथ टेढ़े मेढ़े मकान बना करके, क्यों उनका कैरियर खराब करते हो, बहुत गुस्सा आता है मेरे को तभी, और जब बात करो तोड़ने की तो बोले टूटेगा नहीं है, कुछ और बताओ, आपके बच्चे के लिए कह रहा हूं मेरे क्या फायदा हो रहा है, तोड़ने के लिए मैं थोड़ी काम ले रहा हूं कि मुझे उसमें 5,000 मिलेगा, मुझे तो सलाह देने का जो पैसा आपने दिया है वही ले, मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं इसमें तोड़वाता हूं, तो मेरे को कोई 1,00,000 रुपया देके जाएगा क्या, समझते नहीं लोग, ये एक बार नहीं अनेक बार देखा हुआ है हमारा, तब भी हम चिल्लाते हैं इसको तोड़ो, ये कोई एक एपिसोड एक घर नहीं होता है, ये अनेक घर में देखने के बाद फिर हम चिल्ला चिल्ला करते हैं टीवी के ऊपर कि ये गलत व्यवस्था आप कर रहे हो। ज्ञानी जी ऐसा कहा जाता है कि जब तक समुद्र में अंदर ना जाओ पता ना चले कि समुद्र गहरा कितना है, तो वही बात यहाँ पे वास्तु शास्त्र की है कि जब तक अंदर ना जाओ वाकई में तब जाके पता चलता है, इतने खूबसूरत बातें, इतना खूबसूरत शास्त्र और इतने सारे पहलू, और मैं कभी कभी ये कह देता हूँ डर से कि मुझे 2% ऑफ वास्तुशास्त्र आता है, शायद मुझे उतना भी नहीं आता है, इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा सागर कि 98% तो मुझे भी अभी सीखना बाकी है। आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि ज्ञानी जी को बहुत आता है, पर मैं जानता हूँ कि मुझे सिर्फ 2% आता है, इसके इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं कि आप अंदाज नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही कहा, इतने कॉम्बिनेशन जी।
अभी मुझे याद है आप वायु कोने के बारे में बात कर रहे थे, कर्ज तो डिप्रेशन वाली बात आ रही थी, तो अचानक से मुझे डिप्रेशन से याद आया कि क्यों ना दादाजी के द्वारा बताई गई अमृत वर्षा आपसे पूछ ली जाए। जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, मायूस रहते हैं, दादाजी बताते हैं कि उनसे कहो जी कि वो देवी, किसी भी देवी माँ के मंदिर जाएं जी, और देवी माँ के मंदिर के बाहर जो बेल होता है वो, उसमें छोटे बड़े दो तीन बेल होते हैं, तो जो बड़ा बेल है घंटा जो है उसके पास जाके खड़े रहें, और वहाँ खड़े रह करके वो घंटा उनके कान के थोड़ा समीप होना चाहिए, जो होगा भी क्योंकि ऐसा लगाएंगे तो, और जोर से तीन बार घंट बजाना है, टंग टंग टंग, ठीक है। और फिर आगे बढ़ के देवी माँ के मंदिर, देवी माँ के स्थान के पास जाकर के माँ से निवेदन करना है कि माँ मैं मायूसी में रहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा प्रफुल्लित रहूं, ठीक है। और एक जो मैंने कहा था चंद्रदेव का दर्शन रोज करना, हाँ, रात को आपने कहा था नमन कर लीजिए, चंद्रमा हाँ। का दर्शन रोज करना है, नमन करना है, ठीक है। हो सके तो चंद्रमा का फुल मून का एक फोटोग्राफ लेकर के आप जहाँ सोते हैं पलंग पर जी, बिल्कुल उसके सामने दीवार पे लगाया जाए फुल मून का, हाँ बढ़िया लेमिनेट करा के चिपका दो, ताकि जब तक, ताकि आप ज्यादातर जब भी दृष्टि पड़े दीवार पे तो आप मून चंद्रमा के दर्शन करो, ठीक अच्छा। है, तो वहां से भी सिंबॉलिक मेडिटेशन होगा, सिंबॉलिक एनर्जी आपको मिलती रहेगी, माँ का आशीर्वाद, चंद्र का आशीर्वाद आपको वहां से मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कर्म करने हैं ताकि चंद्र की ऊर्जा को आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपका चंद्र जो है वो बैठ गया है, ठीक है। मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है, बताया था अभी। फिलहाल हमने यहाँ पर दादाजी की अमृत वर्षा की बात की, जो कि दादाजी ने अमृत बताया, जिन्हें ग्रहण करने के बाद समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो अगर आप भी दादाजी की कोई अमृत वर्षा चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख पाएंगे। ज्ञानी जी, शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। यहाँ मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि अमृत वर्षा और वास्तु क्लीनिंग वेबसाइट पर लगी हुई है, तो वहां से वो उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने वायु कोने के बारे में हमें आज जानकारी दी, लेकिन अगले एपिसोड्स में हम आपसे वायु कोने को लेकर बहुत सारी बातें और जानेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल यही आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, और आप सभी दर्शकों से भी यहाँ पर चाहेंगे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09879108652535454, 0898-000-5760-61-62-63-64, 0992-504-8011। हमारे फोन नंबर है 02-65-23-54-112। हमारा फैक्स नंबर है 02-65-23-54-113। हमारी ईमेल आईडी महेश ज्ञानी @yahoo.com।